नमस्कार पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी, नव दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। वहीं औली मैराथन 2023 का शुभारंभ सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा, तो आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो देखिए उस दौरान की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जब नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे सीएम धामी। तो चमोली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। औली मैराथन 2023 का शुभारंभ भी उनकी तरफ से किया जाएगा। साथ ही आपदा राहत और पैकेज किस तरह से पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की जाएगी। तो खासा उत्साह जो है वो लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि चमोली दौरे पर है सीएम धामी, जहाँ उन्होंने नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और औली में आज से रोमांच का सफर भी शुरू होने जा रहा है, जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से दिखाई दी जाएगी। तो सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देंगे खिलाड़ी, सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं। तो सीएम धामी जोशीमठ नरसिंह मंदिर परिसर से मैराथन प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भट्ट के मुताबिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए देश के कई जिलों से खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जब जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी, नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। दूसरी तस्वीर औली मैराथन 2023 का शुभारंभ आज सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा और इसके जरिए सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। तो बता दें औली में आज रोमांच का सफर शुरू होने जा रहा है। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए खिलाड़ी जो है दौड़ते नजर आएंगे। सीएम धामी इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो सीएम धामी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। चमोली पहुंचने के बाद सबसे पहले जोशीमठ का रुख करते हुए नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। अब औली मैराथन 2023 को लेकर तमाम तैयारी यहां पर की जा चुकी है और अब से कुछ ही देर में सीएम धामी की तरफ से औली मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो बता दें कि सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए ये जो आयोजन है वो किया गया है। औली में स्कीइंग माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड और स्काई रनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर की स्काई रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और औली मैराथन 2023 का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सीएम ने शुभारंभ कर दिया है। तो आपको बता दें कि इसी के साथ सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए खिलाड़ी भी तैयार हैं। खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो साथ ही औली मैराथन 2023 का शुभारंभ करने के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम धामी। सारा जो जितना भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो रही थी उस पर भगवान ने ब्रेक लगाया, भगवान ने रोका, वहीं पर स्थिर किया और आज शानदार तरीके से यहाँ पर मैराथन आयोजित हो रही है। तो वहीं जोशीमठ आपदा पर बोले सीएम धामी, जोशीमठ आज सुरक्षित है, लोगों के मन में संदेह पैदा किया गया लेकिन जोशीमठ में हालात जो है वो सामान्य है, जोशीमठ आज सुरक्षित है और इसी का संदेश देते हुए खिलाड़ी भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। औली मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में आपदा पर सीएम धामी ने बयान दिया है कि जोशीमठ आज सुरक्षित है लेकिन लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ जहां औली मैराथन 2023 को हरी झंडी सीएम धामी की तरफ से, तो दूसरी तरफ जोशीमठ में आपदा राहत को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। भारतवर्ष के लोग चिंतित हो रहे थे जोशीमठ को लेकर, आज भगवान की कृपा से और हमारे पत्रकार मित्रों ने भी आगे बढ़कर जब इस काम को अपने हाथों में लिया, शुरुआती दिनों में जरूर एक ऐसा माहौल बन गया था कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही डूब गया है। पूरे देश भर के लोग पूछते थे, मैं जहां भी जाता था वहां यही प्रश्न होता था कि जोशीमठ का क्या हो रहा है, जोशीमठ का क्या हो रहा है। भाइयों बहनों, किसी तरीके से हमने सबके सामने वस्तु स्थिति को रखा। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं और
प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बड़ावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है, पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है, इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एल धारा और तमाम धारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में देश भर में एक संदेह पैदा होने लगा। मैं स्वयं सामने आया, मैंने लोगों से अनुरोध किया, मैंने कहा भाई जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति ऐसी नहीं है, और अभी वहां पर काफी सारे काम सामान्य स्थिति में चल रहे हैं, इससे आप ऐसा माहौल मत बनाइए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमको वहीं चारधाम यात्रा पर भी बोलते हुए सिमधामी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और ऐसे में चारधाम यात्रा में यात्रियों की सहूलियतों को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। तो लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी। तो अप्रैल में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और उससे पहले सीएम धामी ने यह आश्वस्त किया है चारधाम यात्रा पर प्रशासन की तैयारी पूरी होने वाली है, उसमें बड़ी संख्या में आज जहां यमुनोत्री गंगोत्री भगवान केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों की संख्या 11 लाख के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं, 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और मैं समझता हूँ पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था वह 50 लाख के आसपास का था, और इस बार भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह देवता की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और ये 50 लाख का आंकड़ा भी हमारा पूरा होगा। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। तो स्नान के दौरान एक युवक की मौत, युवक हरियाणा के जींद जिले का है, लापरवाही की वजह से युवक की गई जान। तो कई युवकों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बचाया गया है, एक घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद शव कब्जे में लिया। तो यात्रियों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत, हरिद्वार में